फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। ठीक, क्लास हमारी होगी 6 और सब्जेक्ट जो होगा हमारा होगा मैथ्स। ठीक, और जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। पहले हम ये देखेंगे प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और फेस वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक, देखिए प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, द वैल्यू क्या होती है, इसमें वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ अ डिजिट। अगर हम किसी डिजिट की वैल्यू काउंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू, विच इज ड्यू टू इट्स पोजिशन इन अ नंबर। ठीक, अगर किसी डिजिट की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है इसमें, 5328, क्या लिखा है इसमें, 5328। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखिए हमें किसकी निकालनी है, पहले ए की, तो यहां लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ एट। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़े, एट की, तो हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ एट इज, कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, एट, तो मैंने लिखा यहां पर एट। ठीक है, यहां पे देखिए ये कौन सा, ये सब बोलता है वंस, ये सब क्या बोलता है वंस, ये सब बोलता है टेंस, इसे क्या बोलता है हंड्रेड, इसे बोलता है थाउजेंड। ठीक है, तो वंस मीन्स, वंस मीन्स क्या होता है, केवल एट, जिसे बोलते हैं एट, तो लिखेंगे इंटू वन, तो एट की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एट आएगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखिए हमें टू की प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ टू, ठीक है, इज कैसे निकालेंगे, टू हमें टू की निकालनी प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो टू हम लिखेंगे एज इट इज। ठीक, और इंटू, अब देखिए वंस के बाद क्या होता है टेंस, तो टेंस को क्या बोलते हैं, वन जीरो, तो यहां लिखेंगे टेन, मतलब टेंस, वन जीरो लिखी, टू की टेन से मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा ट्वेंटी। ठीक, ऐसे ही किसकी निकालनी है, थ्री की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज, कैसे निकालेंगे थ्री की प्लेस वैल्यू, देखिए थ्री जो है कौन से नंबर पर है, वन टेन हंड्रेड, कौन से नंबर पर आता है, हंड्रेड पर। ठीक, तो यहां लिखेंगे थ्री इंटू हंड्रेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री की हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थ्री हंड्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं, फाइव की प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज, कैसे निकालेंगे, देखिए फाइव लिखा है तो फाइव लिखेंगे हम यहां पर इनटू, अब ये देखो यहां कौन सी पोजीशन पर है, ये देखो इसे बोलते हैं वन, इसे बोलते हैं टेंस, इसे बोलते हैं हंड्रेड, इसे क्या बोलते हैं थाउजेंड। ठीक है, थाउजेंड में कितनी जीरो होती है, थ्री जीरो होती है, कितनी होती है, थ्री जीरो। ठीक है, थ्री जीरो लिखते हैं इसमें, वन जीरो कितनी जीरो लिखी हमने, इसमें थ्री जीरो लिखी। ठीक है, फाइव की थ्री जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फाइव थाउजेंड। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन की जो प्लेस वैल्यू आई है वो पहले आई है एट, ट्वेंटी, मतलब टू की ट्वेंटी, थ्री की थ्री हंड्रेड, फाइव की फाइव थाउजेंड, ये थी हमारी प्लेस वैल्यू। आइए अब देखते हैं फेस वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए फेस बिल्कुल सेम जो जो जैसे किसमें लिखा द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट, कोई भी डिजिट की जो नंबर होगी उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जैसे मुझे इसमें किसकी फेस वैल्यू निकालनी, एट की, तो नॉर्मल सी बात है, देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्चुअल वैल्यू कितनी इसकी, एट, तो आंसर भी कितना आएगा, एट, तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, इसमें है फेस वैल्यू ऑफ एट। ठीक है, इस कैसे मिलेगी, एट की फेस वैल्यू क्या होगी, एट ही रहेगी। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछे फाइव की फेस वैल्यू बताइए, तो फाइव की मैंने यहां लिखा, और फाइव की फेस वैल्यू कितनी होगी, फाइव की क्या होगी क्वेश्चन में, फाइव ही रहेगी। ठीक है, बस प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में जो बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है, इसमें तो हम थाउजेंड में लिख चलते हैं, जैसे फाइव की प्लेस वैल्यू निकाली तो फाइव थाउजेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर कितनी डिजिट है, वन टू थ्री, तो थ्री जीरो लगा दी इसमें। लेकिन जो फेस वैल्यू होते इसमें कहीं पर जीरो नहीं लगाते, जो डिजिट रहेगी सेम वो ही, जिसकी जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा फेस वैल्यू फाइव की बताइए, तो फाइव की फेस वैल्यू फाइव ही रहेगी, बस इन दोनों में इतना डिफरेंस है। हमारी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। ठीक है, और हाँ, कोरोना का ये पीरियड चल रहा है, इससे मैं आप सेफ रहिए, हैंड वॉश कीजिए, ठीक है, डिस्टेंस बनाइए एक दूसरे से जितने ज्यादा हो सके, और अपना ख्याल रखिए।